अगर आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आप एक गेमर हो और आपको एक नया मॉनिटर खरीदना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ LG का 24 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले वाला मॉनिटर। और इस मॉनिटर को खरीदने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया है, हर एक जो अच्छा अच्छा मॉनिटर है हर एक मॉनिटर के अंदर जाके इसका रिव्यूज़ देखना, इसका स्पेसिफिकेशंस पढ़ना और बहुत कुछ करने के बाद मैंने सोचा कि ये मॉनिटर मेरे लिए सही होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये मॉनिटर आपके लिए सही है या नहीं है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो ये था हमारा LG का 24 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले वाला मॉनिटर, जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदा है 12,000 रुपये में। वो भी मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया बोल के मुझे 1,000 रुपये डिस्काउंट में मिला। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको 13,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप ये वाला मॉनिटर खरीदने के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे जो मॉडल नंबर फ्लैश हो रहा है वही वाला मॉडल है, क्योंकि ऐसे दिखने वाला एग्जैक्टली और एक मॉडल आपको मिल जाएगा जो कि 2019 का मैन्युफैक्चर है और ये है 2021 का, और उसमें बहुत सारा फीचर्स कम भी है। तो आप ये बात ध्यान में देखना कि ये वाला मॉनिटर ही आप ले रहे हो। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले ही हमें एक मॉनिटर होल्डर मिल रहा है, जिसका ऊपर वाला पोर्शन में हम अपना मॉनिटर लगाएंगे और नीचे वाले पोर्शन में मॉनिटर का जो बेस है वो लगाएंगे। तो इसको साइड में रखते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो केबल आप देख रहे हो ये है एक HDMI केबल, जिसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 3 to 3.5 feet। और ये HDMI केबल आपको एक ही मिलेगा, अगर आपको दूसरा चाहिए तो दूसरा आपको खरीदना पड़ेगा डुअल मॉनिटर सेटअप के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें मिल जाए एक पावर कॉर्ड, जिसका फंक्शन तो आपको पता ही है कि मॉनिटर को पावर सप्लाई देने के लिए ये कॉर्ड आपको चाहिए। और नेक्स्ट हमें मिलेगा एक पैकेट जिसके अंदर 3 स्क्रूज मिलेगा आपको, कहाँ पे कैसे यूज करना है ये मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको। और नेक्स्ट हमें मिल जाए एक होल्डर कैप, जिसे हमें एग्जैक्टली इस जगह पे लगाना होता है ताकि इन दोनों स्क्रूज को हम ढक के रख पाए। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा एक यूजर मैनुअल, जो कि आपको उसी समय साइड में रख देना है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें मिलता है मॉनिटर स्टैंड का बेस, जिसमें हमारा जो मॉनिटर होल्डर है वो लगाना है स्क्रूज की मदद से कुछ इस तरह। और लास्ट में जाके हमें मिल जाए हमारा मॉनिटर, जिसका पीछे का साइड पूरा व्हाइट है और सामने तो ब्लैक होना ही है। और अगर मैं सामने की तरफ आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जो कि मैं बाद में जाके आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा कि ये कैसा दिखता है। और अगर हम पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ जो हमें मेन फंक्शंस देखने को मिलता है वो है एक VGA केबल का पोर्ट, साथ में आपको दो HDMI पोर्ट मिलेगा, एक ऑडियो इनपुट मिलेगा और एक हेडफोन आउट मिलेगा, और एक पावर केबल लगाने का पोर्ट मिल जाएगा आपको। और अगर आप इसके ठीक ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे 4 होल दिखाई देगा, इसका मतलब है कि ये जो मॉनिटर है ये वीजा मॉनिटर है, और आप वीजा मॉनिटर जो स्टैंड आता है वो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आज के दिन आप कोई भी मॉनिटर खरीदने जा रहे हो तो आप वीजा एनेबल मॉनिटर ही खरीदना, जिसके पीछे 4 होल रहता है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में सोचते हो कि आपको वॉल माउंट करना है या टेबल पर माउंट करना है तब ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप वीजा एनेबल मॉनिटर खरीदते हो। तो अभी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि कैसे आप इस स्टैंड को मॉनिटर में फिट कर सकते हो। और अभी मेरे हाथ पे एक मॉनिटर होल्डर और इसका बेस है, और आपको इसे कुछ इस तरह लगाना होता है एक स्क्रू की मदद से। और नेक्स्ट आपको इस मॉनिटर होल्डर को इस जगह पे लगाना होता है कुछ इस तरह, दो स्क्रू की मदद से। और दोनों स्क्रूज को टाइट करने के बाद अब इस कैप को यहाँ पे रख दो ताकि ये जो स्क्रूज है ना दिखे। और स्टैंड को फिट करने के बाद ये मॉनिटर कुछ इस तरह दिख रहा है। और इस स्टैंड को भी मैंने हटाकर अपने मॉनिटर को मैंने इस टेबल पे माउंट किया है, और माउंट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अभी मैं आपको इस मॉनिटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 24 इंच मॉनिटर लेना है या 21 इंच मॉनिटर लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 इंच मॉनिटर में आपको 1.5 इंच हाइट में और 1.5 इंच विड्थ में आपको ज़्यादा मिलता है अगर आप कंपेयर करते हो 21 इंच के मॉनिटर के साथ। अगर आपको फुल HD मॉनिटर लेना है तो आप 24 इंच से ज़्यादा मत लो, क्योंकि 24 इंच से ज़्यादा लोगे तो इसमें पिक्सल आपको दिखाई देगा, क्योंकि 24 इंच का जो मॉनिटर है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पिक्सल दिखाई देता है अगर आप लो रेजोल्यूशन वाला फाइल प्ले करते हो तो। और अगर आपको बड़ा मॉनिटर चाहिए तो मेक श्योर कि आप 4K वाला मॉनिटर ही ले रहे हो, फुल HD मॉनिटर नहीं ले रहे हो, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रख। इस मॉनिटर में आपको 75Hz रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, तो अगर आप एक फोटो या वीडियो एडिटर हो तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। और अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए भी ये मॉनिटर काम का है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ये नॉर्मली आपको 5 मिलीसेकंड तक मिल जाएगा, और अगर आपका AMD प्रोसेसर है तो आपको 1 मिलीसेकंड तक रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। और इस मॉनिटर का जो व्यूइंग एंगल है वो है 178 डिग्री, जो कि काफ़ी बड़ा है और इससे ज़्यादा हम शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और इस मॉनिटर में आपको 2 5W का इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट स्पीकर्स है। कुछ लोगों को इन स्पीकर्स को लेकर थोड़ा बहुत कंप्लेंट है, लेकिन 5W के स्पीकर से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे तरफ से इन दोनों स्पीकर्स के लिए थम्स अप है। और इस बॉक्स के अंदर दो चीज़ है, डुअल मॉनिटर सेटअप के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन ये डुअल मॉनिटर स्टैंड है,
ड्यूल मेंटो स्टेम के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो पूरा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनको ड्यूल मेंटो सेटअप के बारे में या ड्यूल मेंटो मंजर के ठीक नीचे एक बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा। और इन ऑप्शंस में से आपको सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो पहले ही आपको क्विक सेटिंग्स का एक टैब दिखाई देगा और वहाँ पे आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और वॉल्यूम एंड कलर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर अगर आप इनपुट टैब में जाते हो तो वहाँ से आप अपना इनपुट मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम पिक्चर टैब में जाते हैं तो पिक्चर टैब में आपको पिक्चर मोड देखने को मिल जाएगा। पिक्चर मोड के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ अलग अलग पिक्चर मोड दिखाई देगा, वहाँ से अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आपके लिए वो आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप पिक्चर एडजस्ट में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और अगर हम नेक्स्ट टैब देखें गेम एडजस्ट, तो इसमें आपको रेस्पॉन्स टाइम दिखाई देगा जिसमें अभी फास्ट है। अगर आप गेम खेलना है आपको तो आप फास्टर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा फ्रीसिंक, ये मैंने ऑफ करके रखा है। अगर आप गेम खेलते हो तो आप इसे ऑन करके रख सकते हो। ब्लैक स्टेबलाइजेशन मैंने 50 पर रखा है, आप अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 मिलीसेकंड मोशन ब्लर रिडक्शन जो है वो सिर्फ AMD प्रोसेसर में काम करता है। मेरा इंटेल का प्रोसेसर है तो यहाँ पे मुझे 5 मिलीसेकंड तक ही मिलेगा। और लास्ट में आपको क्रॉस हेयर का ऑप्शन मिलता है जो कि आप गेम खेलते हो तो गेमिंग में एम करने के लिए ये काम आता है। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो हमें कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि वॉल्यूम, मेन ऑडियो और मैक्सिमम ऑडियो, तो वो आप अपने हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। और अगर हम नेक्स्ट जनरल टैब में जाते हैं तो हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं जो हमारे लिए इतना काम का नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।